गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हम आपकी वाणिज्य यानी कॉमर्स की क्लास को शुरू करते हैं। इसमें आपका पहला पार्ट है पुस्तपालन, आशय, उद्देश्य एवं लाभ। इसमें हम पुस्तपालन के बारे में समझेंगे कि उस पुस्तपालन क्या है, पुस्तपालन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं और पुस्तपालन से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। पहले हम पुस्तपालन को समझ लेंगे। पुस्तपालन दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्त यानी कि बुक और पालन यानी कि कीपिंग। पुस्त का अर्थ है पुस्तक और कीपिंग का अर्थ है रखने से। इस प्रकार पुस्तपालन का अर्थ हुआ पुस्तक को रखने से। लेकिन व्यापार की भाषा में, वाणिज्य की भाषा में, किसी भी व्यापार में जो लेन देन होते हैं उन्हें निर्धारित पुस्तकों में रखना ही पुस्तपालन कहलाता है। सेकंड है हमारा पुस्तपालन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। पुस्तपालन के उद्देश्य पढ़ेंगे हम। उद्देश्य हैं पुस्तपालन के हमारे, इससे हमें रोकड़ का ज्ञान होता है। क्या होता है? पुस्तपालन के द्वारा जब हमारे खाते ढंग से रखे जाते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारे व्यापार में कितनी रोकड़ है। रोकड़ यानी कि धन। नेक्स्ट है हमारा क्रय विक्रय का ज्ञान। क्रय विक्रय का ज्ञान, क्रय मतलब किसी वस्तु को खरीदना और विक्रय मतलब किसी वस्तु को बेचना। इस प्रकार पुस्तपालन के अंतर्गत, व्यापार के अंतर्गत क्या क्या हमने खरीदा है और क्या क्या हमने बेचा है, इसका हमें ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आय व्यय का ज्ञान। व्यापार में किन किन स्रोतों से हमें क्या क्या आय हो रही है, आय मतलब कितनी हमारी कमाई हो रही है, और किन किन चीज़ों पर हमें खर्चा करना पड़ रहा है यानी कि व्यय हो रहे हैं। पुस्तपालन के अनुसार जब हम निर्धारित पुस्तकों को रखेंगे तो हमें आय और व्यय का ज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा देनदारों लेनदारों का ज्ञान। देनदार वह व्यक्ति होते हैं जिनसे व्यापार में रुपया आना है, अर्थात व्यापारी को रुपया प्राप्त करना है, और लेनदार वे होते हैं जिनको व्यापार में से भुगतान करना, अर्थात व्यापारी द्वारा भुगतान किया जाना है। इस प्रकार पुस्तपालन के द्वारा हमें देनदार और लेनदारों का ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा पूंजी एवं आहरण का ज्ञान। पूंजी क्या है? पूंजी जो भी व्यापारी व्यापार में धन लगाता है वह हमारी पूंजी कहलाती है, और आहरण कभी कभी व्यक्ति अपने निजी खर्चों के लिए, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए व्यापार से कुछ रुपया उधार ले लेता है, उसे हम आहरण कहते हैं। इस प्रकार पुस्तकें रखने से उसे व्यापार में पूंजी और आहरण का ज्ञान हो जाता है। कर संबंधी जानकारी, आप जानते हैं कि आजकल के समय में हर किसी को कर का भुगतान करना पड़ता है, और व्यापार में तो बहुत प्रकार के करों के भुगतान किए जाते हैं, जैसे वाणिज्य है, आयकर है, निर्यात कर है, आयात कर है। अतः पुस्तकों को रखने से व्यापारी को कर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी हो जाती है। नेक्स्ट है लाभ हानि के कारणों का ज्ञान। लाभ, व्यापारी को जो भी व्यापार में लाभ होता है, हानि यदि कोई नुकसान होता है, तो लाभ और हानि होने की स्थिति में व्यापारी को उन पुस्तकें जब वह रखता है तो उनके कारणों का ज्ञान हो जाता है। आखिर किन कारणों से व्यापारी के व्यापार में हानि हो रही है, तो वह उन कारणों में सुधार करके व्यापारी अपने व्यापार को लाभ की ओर अग्रसर करता है। ये हो गया हमारा पुस्तपालन के उद्देश्य। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाभ। आखिर पुस्तपालन से लाभ क्या क्या होते हैं? पहला है हमारा भूल से बचाव। भूल से बचाव किस प्रकार है? जब हमने उचित प्रकार से अपनी पुस्तकें रखी हैं तो हमें भविष्य में भूल होने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि हर व्यक्ति की स्मरण शक्ति सीमित होती है, वह सब बातों को याद नहीं रख सकता। लेकिन अगर उसने पुस्तकें रखी हैं तो इन पुस्तकों के द्वारा वह किसी प्रकार की भूल से बच सकता है।
सेकंड टॉपिक है हमारा, सेकंड हेडिंग है हमारी वैधानिक प्रमाण। वैधानिक प्रमाण क्या है? यदि हमने ढंग से, व्यापारी ने ढंग से पुस्तकें रखी हैं, उचित रूप से पुस्तकें रखी हैं, यदि भविष्य में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है, कोई देनदार धनराशि का भुगतान करने से मना कर देता है या कोई और बात वह कर देता है जो भुगतान नहीं करना चाहता, तो हम उचित पुस्तकें दिखाकर उससे कह सकते हैं कि भैया तुझे इतना भुगतान करना है, तब भी मैं नहीं मानता, तो हम न्यायालय में उसके खिलाफ बात प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण क्या है? पुस्तपालन के द्वारा जब हम पुस्तकें रखते हैं तो व्यापारी अपनी वस्तुओं का, अपने उत्पाद का, अपनी चीज़ों का उचित मूल्य निर्धारित कर सकता है। एक हमने आपको बताया था, ऊपर भी उसका उद्देश्य वही था, जब हमने उद्देश्य वो रखा था तो हमारा लाभ भी हो गया, कर निर्धारण में सहायक। अनेक प्रकार के कर भुगतान करते हैं, आयकर, निर्यात कर, शुल्क, सीमा शुल्क, इस सभी के निर्धारण में वह सहायक होता है, पुस्तपालन कर निर्धारण में सहायक होता है। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक स्थिति का ज्ञान। आर्थिक स्थिति का ज्ञान क्या? पुस्तपालन के द्वारा जब व्यापारी यह ज्ञात कर लेता है कि उसकी संपत्ति कितनी है, लेनदार कितने हैं, इन सभी का तुलनात्मक विश्लेषण करके वह यह पता लगा लेता है कि आखिर व्यापार की आर्थिक स्थिति क्या है, लाभ में चल रहा है या हानि में चल रहा है। लाभ में चल रहा है तो अच्छी स्थिति है, और हानि में चल रहा है तो उसके कारणों का पता करके, हानि के कारणों का पता करके हानि को समाप्त करने के प्रयास करता है। नेक्स्ट है हमारा शीघ्र निर्णय लेने में सहायक। प्रतिदिन व्यापार में कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि उसे शीघ्र निर्णय लेने पड़ते हैं। यदि उसने स्पष्ट रूप से सही तरीके से अपनी पुस्तकें रखी हैं तो वह उन निर्णयों को लेने में शीघ्रता कर सकता है, जिससे उसके व्यापार को असावधानी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट है व्यापार के मूल्यांकन में सहायक। व्यापार के मूल्यांकन में यदि कोई व्यापारी अपने व्यापार को बेचता है तो जो खरीदने वाला उसे वो 2-3 साल से रखी हुई जो पुस्तकें उन्हें दिखाकर अपने व्यापार के मूल्य को सही निर्धारित कर सकता है, क्योंकि क्रेता उसके व्यापार की पुस्तकें देखकर यह निर्धारित कर लेता है कि उसका व्यापार किस प्रकार का चल रहा है, तो वह व्यापारी को उसके व्यापार का सही मूल्य दे सकता है।